हेलो एवरीवन, ये वीडियो बनाना मैंने इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा क्योंकि ये वीडियो हो सकता है, ये लाइव सेशन हो सकता है आपको थोड़ा लेंथी लगे, लेकिन इसको एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो हो सकता है जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, आपके डियर वंस के लिए लाइफ सेविंग वीडियो बन सकता है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीजेस जैसे कोल्ड, कफ, फीवर एक्सेट्रा को घर पे ही बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए ठीक कर सकते हैं। और ये प्रूवन जो है चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें मैंने डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, जो जिनका नाम के कोविड टाइम में बहुत ही फेमस हुआ है, जिन्होंने कोविड के अगेंस्ट एक तरह का जो है मिशन, एक रेवोल्यूशन जो है उसको जारी किया हुआ है, और कंटिन्यूअसली वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप कैसे कोविड से बच सकते हैं, वो भी बिना कोई ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाई खाए। तो ये वीडियो आप सबने एंड तक देखना है और इसको शेयर करना है। इसमें बताई हुई चीजें जो हैं ऐसी हैं जो आपको घर पे ही अवेलेबल हो जाएंगी, आपको कहीं मार्केट से कुछ नहीं लाना पड़ेगा, और इसलिए इसको ट्राई जरूर करें क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपके किचन में अवेलेबल हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड आई गिव यू गारंटी के अगर आप जो है इनिशियल स्टेज पे ही, आपको मान लो कोल्ड हुआ है, फ्लू हुआ है, ठीक है, हल्का फीवर है, तो आप अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट 99.9% जो है एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे एंड यू विल बी क्योर। तो ये सभी से शेयर भी करना है। तो आइए शुरू करते हैं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं, और पूरी स्लाइड जो है अगर आप इसको मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8427829974 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको पीडीएफ फाइल जो है वो सेंड भी कर दूंगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्यादा करके जो है ये फ्लू जो होता है वो कब होता है, कौन से टाइम पे होता है, कब लोग जो है ज्यादा कोल्ड और कफ से सफर करते हैं, तो इसका आंसर है कि जब वेदर चेंज होती है, जैसे सर्दियों के बाद गर्मी आती है तब लोगों को ज्यादा फ्लू होता है, कोल्ड होता है, वायरल फीवर होता है, ठीक है, या गर्मियों के बाद सर्दी आती है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन भी है। मान लो अभी सर्दी के बाद गर्मी आई तो हम लोग एकदम से जो है अपने विंटर वाले कपड़े जो है वो पैक कर देते हैं, रात को पंखे चला के सो जाते हैं, और ज्यादा गर्मी लगती है तो कूलर एसी भी ऑन कर लेते हैं, सडनली वेदर में चेंजेस आ जाती हैं, फिर हल्का सा ठंडा हो जाता है, या मॉर्निंग एंड नाइट्स आर कोल्डर देन द डे, तो हम लोग जो है वो पहलवान बनते हैं, हम अगर स्कूटर पे, साइकिल पे जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, तो हम जो है वो विंटर वाला कपड़ा नहीं डाल रहे, हम टी शर्ट डाल के घूमना शुरू कर देते हैं, तो हमारी बॉडी जो है एकदम ठंडे और गर्म को जो है वो उसमें अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती एंड वी गेट कोल्ड। और इस टाइम पे जो वायरसेस भी होते हैं दे फाइंड शेल्टर्स के हमें जो है किसी पर्सन की बॉडी मिल जाए, ठीक है, तो हम ये जो वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं इससे बच सके। तो इससे कैसे बचना है, एक तो पहलवान नहीं बनना, क्योंकि मैं मॉर्निंग में दूध लेने जाता हूँ तो मैं जैकेट डाल के जाता हूँ, ठीक है, अभी कुछ 2-3 वीक पहले मैं जब बाहर ऑफिस भी जा रहा था तो आई यूज टू वेयर जो है कोट डाल के जाता था, तो हमारे नेबर कहते हैं कि बर्फ पड़ी हुई है आप कोट डालते हो, तो आई डोंट केयर, मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि मॉर्निंग में ठंड होती है, या तो आप जैकेट डालो, राइट, आपको दूसरों का नहीं सुनना, आपको अपनी हेल्थ का देखना है। सेकेंड थिंग इज कि थोड़ा सा सर्दी से गर्मी हुई तो हम एकदम से फ्रिज का वाटर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब पीना शुरू कर देते, इस चीज को भी अवॉइड करना। फिर आपको फ्रेश एयर जरूर लेनी है, आज ऐसा टाइम चल रहा है कि हम जो है हम मास्क लगा के घूम रहे हैं, हमारा नाक हमेशा मास्क से कवर होता है, तो हम वही ऑक्सीजन जो है, जो सर्कुलेशन जो हम बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें मिक्स ऑक्सीजन या डर्ट या जो कुछ भी है उसको ले रहे हैं, तो हमें जब भी हम फ्री बैठें आफ्टर एन आवर रिमूव द मास्क और फ्रेश एयर्स लें, खुली हवा में जाके लंबी लंबी सांसें लें।
एक और पॉइंट का ध्यान रखें, अगर हमने फ्लू से अपने आप को बचाना है, कोल्ड से बचाना है, तो हमें जो है सनलाइट का एक्सपोजर भी लेना है। चढ़ती हुई धूप जो है बहुत अच्छी है, एक तो मतलब उसमें आपकी स्किन बर्न नहीं होती, सेकेंडली उसका जो एक ऑरा है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो टेक द सनलाइट एज अ मेडिसिन, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर आपको फ्लू हो जाता है, मान लो फ्लू होने के कौन से सिम्टम्स हैं, अगर आपको कोल्ड होता है तो आपकी स्टफी नोज हो सकती है, नोज ब्लॉक हो गई, ठीक है, स्क्रैची और सोर थ्रॉट, आपका गला जो है वो आपको स्क्रैची सा लगेगा, खरखर होगी गले में, ठीक है, पेन होगी, छींके आएंगी, आपकी आईज भारी भारी होंगी, वॉटरी होंगी, ठीक है, म्यूकस जो है वो आपके नोज में से ड्रेन करेगा, मतलब जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, बलगम निकलती है, और वो मतलब वो म्यूकस नोज में से गले में जाएगा, और आपकी मसल पेन होगी, बैक पेन होगी, सरदर्द होगा और आपको फीवर होगा। ये सिम्टम्स हैं एक फ्लू के, और यही सिम्टम्स आज जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको हम कोरोना कह रहे हैं, COVID-19, इसमें भी यही सिम्टम होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इनिशियल स्टेज पे ही आप जो है उसमें केयरलेस नहीं होते और अपना ट्रीटमेंट घर पे शुरू कर देते हो, तो आप जो सीवियर स्टेज है जिसमें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, वहाँ आपको हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही ठीक हो जाओगे। आपको पता है कि सिचुएशन कितनी बैड चल रही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है, ये मैंने जो लिया हुआ है मैंने एक वेबसाइट से लिया है जिसका नाम है myoclinic.org, बहुत ही फेमस वेबसाइट है मेडिकल साइंस की, जिसमें हर बीमारी के सिम्टम्स, उसका ट्रीटमेंट बताया गया है। तो फ्लू का, कोल्ड का क्या ट्रीटमेंट बताया गया है, देयर इज नो क्योर फॉर कॉमन कोल्ड, एंटीबायोटिक्स आर ऑफ नो यूज अगेंस्ट कोल्ड वायरसेस एंड शुडंट बी यूज अनलेस देर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड एट रिलीविंग साइंस एंड सिम्टम्स। तो कहने का मतलब है, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जुकाम कैसे ठीक होता है, जुकाम में अगर आप कोल्ड अगर आपको हो जाता है तो अगर आप दवाई खाते हैं तो आपका 1 वीक में ठीक हो जाता है, और अगर आप दवाई नहीं खाते तो इसको ठीक होने में 7 दिन लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एलोपैथी में इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर जो है वो सिम्टम्स को हटाने वाली मेडिसिंस देते हैं, जैसे अगर नोज रनिंग है तो वो ऐसी मेडिसिन दे देंगे कि जिससे आपका जो बलगम है वो ठीक हो जाएगा और रनिंग नोज बंद हो जाएगा, अगर नोज ब्लॉक है तो मेडिसिन ऐसी होगी जिससे रनिंग नोज शुरू हो जाएगा, तो रेशा निकलना शुरू हो जाएगा। तो देयर इज नो ट्रीटमेंट इन एलोपैथी, इट्स नॉट फ्रॉम माई साइड, इट इज फ्रॉम द myoclinic.org। तो अब हम आ रहे हैं कि अगर आपको कोल्ड हो जाता है तो इसको आपने लाइटली नहीं लेना, स्पेशली आज के टाइम में, तो आपने घर पे इसका कैसे ट्रीटमेंट शुरू करना है, ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, नेक पेन, इसका इलाज है बड़ा ही सिंपल, आपको घर पे अवेलेबल हो जाएगा। आपने क्या लेना है, 1 ग्राम मुलट्ठी लेनी है, मुलट्ठी को लिकोरिस भी कहते हैं इंग्लिश में, उसको आपने हनी में डिप कर लेना है, ठीक है, और फिर उसको जो है उसको आपने चूसना, एंड डू इट फॉर 5-6 टाइम्स, 3 टाइम्स अ डे, मतलब जैसे मेडिसिन खाते हैं उसी तरह से है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर को, ठीक है, और रात को, अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो 5-6 टाइम्स भी, क्योंकि ये ऐसी मेडिसिन नहीं है कि ओवरडोज हो जाएगा। अगर मुलट्ठी की आपको स्टिक नहीं मिल रही तो मुलट्ठी का पाउडर जो है वो हनी में मिक्स करके आप उसको भी ले सकते हैं। सेकेंड थिंग जो बहुत कॉमन यूज करते हैं लोग, पानी में सॉल्ट डाल के वार्म वाटर में गरारे करते हैं, ठीक है, आपने पानी में नमक थोड़ा सा डालना है, लेकिन हल्दी डालनी है, हल्दी 1 चम्मच डालनी है, और 3 टाइम गरारे करने हैं। और एक और मेडिसिन है इसकी, आपको अगर रॉ हल्दी मिलती है तो रॉ हल्दी लेनी है 5 ग्राम, ठीक है, उसको आपने क्रश कर लेना है, और पानी के साथ या हनी के साथ आप उसको 3 टाइम्स अ डे खा सकते हो।
अगर आपको रॉ हल्दी नहीं मिल रही तो हल्दी का पाउडर जो है वार्म वाटर में लेके आप उसको खा सकते हो। तो उसको आपने कंज्यूम करना है, धीरे धीरे खाना है। अच्छा, अब जब कोल्ड होता है, जब फ्लू होता है, तो आपको फीवर भी हो जाता है, बॉडी एक भी होता है। तो फीवर के लिए आपने घर पे मेडिसिन कैसे बनानी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी बहुत सिंपल है, आपको घर पे ही चीजें मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, 400 ml वाटर लेना है आपका। पेप्सी की बॉटल में 300 ml आता है, ठीक है, तो उसके अंदाजे से आप 400 ml वाटर ले सकते हैं। उसमें तीन चार आपने काली मिर्ची के दाने डाल देने हैं, एक लौंग डाल देना है, 10-12 पत्ते जो है तुलसी के डाल देने हैं, एक छोटी इलायची डालनी है, और 4 ग्राम अदरक और गिलोय आपको मिल जाएगी, उसकी 2 इंच की स्टिक डाल देनी है, और साथ में थोड़ी सी हल्दी यानी 4 ग्राम हल्दी डाल के इनको बॉयल करना है। और बॉयल तब तक करना है जब तक वाटर जो है वो 200 ml नहीं रह जाता। अब इसको आप किसी जार में, बॉटल में डाल के रख सकते हैं, और इसको आपने एक एक चम्मच करके 3 times a day मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में इसको पीना है। ये आपकी बन गई फीवर की मेडिसिन। अगर आपका फीवर जो है बहुत ज्यादा है तो आप जैसे ठंडे पानी की पट्टी कर सकते हैं। पर्सन को अगर बहुत ज्यादा फीवर है उसको जमीन पे लिटा दें, ठीक है, डायरेक्ट फैन के साथ उसको जो है वो हवा दें, और उसके सर के ऊपर, पैरों के ऊपर, हाथों के ऊपर आप पानी की पट्टी रख के उसके बुखार को कम कर सकते हैं। अब आई बात के जब ये आपको फ्लू होगा, ठीक है, जब भी आपको वायरल होगा तो आपको बुखार चढ़ेगा, उतरेगा, तो आपको वीकनेस आ सकती है। वीकनेस को दूर करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपको दिन में 2 या 3 जो है वो खजूर, जिसको कहते हैं डेट्स, वो खानी है, उससे आपकी वीकनेस दूर होगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं टू क्योर द वीकनेस, आप लेमन वाटर विद हनी ले सकते हैं। अगर आप वाटर को थोड़ा सा बॉम कर लें, उसमें लेमन डाल दें और उसके साथ हनी को लें 2-3 times a day, तो ये आपको, एक तो इसमें विटामिन सी है तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी, आपके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो आपके वायरस के साथ लड़ने के लिए काबिल होगा, प्लस आपकी वीकनेस दूर होगी, तो ये ले सकते हैं। अब नोज ब्लॉक है, चेस्ट में ब्लॉकेज है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको स्टीमिंग लेनी है 3 times a day। स्टीम लेने से आपकी नोज खुलेगी, आपके लंग्स खुलेंगे। स्टीम लेने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि वो आजकल कैप्सूल आते हैं, वो केमिकल्स हैं, वो नहीं डालने, बल्कि आप घरेलू जो किचन की चीजें हैं उन्हीं को डाल सकते हैं। यू कैन ऐड सम वाटर, वाटर को बॉयल किया, उसमें हमने जीरा डाल देना है थोड़ा सा, उसमें आप थोड़ी तुलसी डाल सकते हो, ठीक है, और उसको बॉयल कर लिया और उसका स्टीम लो। स्टीम के लिए यू कैन यूज अ स्टीमर, बहुत सस्ता, 150-200 रुपए का किसी भी मेडिकल शॉप से आ जाता है। अगर आपने पैसे नहीं खर्चने तो आप जो कोई बर्तन है उसको, उसमें कुछ बॉयल किया तो उसका स्टीम भी आप ले सकते हो। तो स्टीम इज वेरी गुड फॉर योर ब्लॉकेज, नोज की ब्लॉकेज के लिए, चेस्ट की ब्लॉकेज के लिए। अच्छा, एक और चीज, बहुत ज्यादा अभी जो सिचुएशंस चल रही हैं, लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो जो फ्लू भी है वो भी आपकी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है इफेक्ट करता है, आपकी चेस्ट में कंजेशन हो जाता है। आपने देखा होगा कि पहले तो हम कोल्ड को इतना सीरियसली लेते ही नहीं थे, छोटे बच्चों की नोज रनिंग ही रहती थी, छाती में से आवाज आती थी, लेकिन आज की डेट में हमें सीरियसली लेना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोगों की तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम इसलिए आनी शुरू हो गई कि एक तो वो मान लो कि किसी वायरल से इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, उनकी चेस्ट जो है वो, उसमें कंजेशन आ गया। तो सेकेंड थिंग इज कि उनको जो एक एंग्जाइटी होगी, फियर हो गया कि मुझे कहीं कोरोना ना हो, कोविड ना हो। तो आपने देखा होगा कि जब हम इस स्टेट में होते हैं तो इसको हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। तो इसमें हमारी जो है वो जो है हम सांसें तेज तेज लेने लग जाते हैं और हमारी जो सांसें हैं वो शेलो हो जाती हैं, छोटी सांसें लेते हैं।
तो ये चीज जब होती है तो जब डॉक्टर इस चीज को देखेगा या कोई घर वाला देखेगा तो वो ये सोचेगा कि इसको तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूज और मीडिया यही बोल रहा है। तो फटाफट हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वेंटिलेटर पे डाल देंगे। वेंटिलेटर पे लगे हुए लोगों में से जो है 90% लोगों की बॉडी ही आती है, 10% लोग ही बच पाते हैं। तो एक घरेलू वेंटिलेटर है जिसको कहते हैं प्रोन पोजीशन, बहुत सिंपल पोजीशन है, इस स्लाइड में एक्सप्लेन की हुई है एंड डॉक्टर विश्वरूप जी ने और अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो प्रोन पोजीशन का मतलब क्या है कि जब आप को सांस लेने में दिक्कत आती है तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने सीधे के बजाय उल्टे लेट जाना है, ठीक है। इस पोजीशन में आपके जो लंग्स की है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की पावर जो है वो 40 to 60% बढ़ जाती है, ठीक है। आप 20 to 30 मिनट तक इस पोजीशन में लेट के, देन आप राइट साइड को करवट लेके भी आप 20 to 30 मिनट्स लेटे रहें। फिर आपने सिटिंग पोजीशन में 60 to 90 डिग्री की पोजीशन में बैठना है, और देन अगेन आपने लेफ्ट साइड को करवट लेके भी इतनी देर, और इस सर्कल को आपने रिपीट करते रहना है। तो आपकी अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो काफी हद तक आपकी घर पे बैठे ही सॉल्व हो सकती है। Nowadays people are using the oximeters, तो ऑक्सीमीटर से भी आप एटलीस्ट ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें अब शायद घर पे रखनी जरूरी हो गई हैं, लेकिन जो ये सेशन है ये यही कह रहा है कि आप बिगनिंग में ही अपने आप को ठीक कर लो। आप अगर वो ट्रीटमेंट कर रहे हो, हल्दी वाला ट्रीटमेंट कर रहे हो कोल्ड के लिए, ठीक है, फीवर के लिए तुलसी और गिलोय और हल्दी और काली मिर्च वाला वो बना के कर रहे हो, ठीक है, आप जो है इनहेलिंग एक्सहेलिंग कर रहे हो, इसके ऊपर स्टीमिंग कर रहे हो। स्टीमिंग के लिए मैंने एक मेथड आपको बताना भूल गया। स्टीमिंग में जब आप स्टीम ले रहे हो तो उसमें आप अगर इनहेल नोज से कर रहे हो तो एक्सहेल मुंह से करो, ठीक है, और फिर उसका रिवर्स करो। मान लो कि 10 रेपिटेशन आपने लगानी है, सांस नाक से ली और मुंह से निकाल दी, ठीक है, ये 10 बार रिपीट किया, फिर इसका रिवर्स, मुंह से सांस ली नाक से निकाल दी, इस तरह से रिपीट किया 10-15 मिनट। तो आपके जो ये लंग्स हैं, लंग्स और नोज जो है इनका पूरा पाथवे जो है वो खुल जाएगा। इसके अलावा जिसको फ्लू होता है, या आज की डेट में हम कहते हैं जिसको कोरोना होता है, उसको क्या क्या करना है, ठीक है, एक तो उसको जो है आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटाइन होना है, क्वारंटाइन इज न्यू वर्ड, तो हम फ्लू पे ही बात करते हैं। वी थिंक दैट के इनिशियल जो बीमारी है इट इज अ फ्लू एंड कोविड हैज ऑल द सिम्टम्स लाइक अ फ्लू, ठीक है। तो कोविड कोविड नहीं, फ्लू वाले पेशेंट को क्या करना है, जो अवॉइड कॉन्टेक्ट विद सिक पीपल, अगर कोई बंदा जिसको सर्दी जुकाम है, पहले भी हम ऐसे करते थे क्योंकि सर्दी जुकाम जो है वो वायरल है, तो वायरल एक दूसरे को, एक को हुआ हो घर में तो दूसरे को भी हो जाता है, तो अवॉइड करना है ऐसे लोगों को जो सिक हैं उनके कॉन्टेक्ट में आने से। अगर किसी को कोल्ड है तो वो घर पे ही रहे, ऑफिस से छुट्टी ले ले, बाहर भी वो ना जाए, ठीक है, एक तरह से आजकल इसको क्वारंटाइन कहते हैं, ठीक है। अपने हैंड्स को वॉश करना है बार बार, ठीक है, सैनिटाइज करना, आजकल का सैनिटाइज योर हैंड्स, ठीक है, ये फ्लू के सिम्टम्स हैं। अवॉइड टचिंग योर आईज नोज एंड माउथ, ये टच कर, क्योंकि ये एक सोर्स है जहां से वायरस अंदर जा सकता है, ठीक है। इंस्टेड कवर योर माउथ एंड नोज विद द टिश्यू व्हेन यू कफ, और जब कोई कोल्ड वाला फ्लू वाला बंदा है तो उसको जब कफ करना है तो वो जो है वो हाथ रखे या जो है टिश्यू पेपर रखे या हैंड करचीफ रखे अपने ऊपर, ताकि वो जो उसके जब वो खांसेगा तो वो जो वायरस है वो हवा में जाके फिर जो उसके पास में बंदा है उसको ना इन्फेक्ट करे, ठीक है। ये प्रिवेंशंस हैं, ये प्रिवेंशंस जो हैं ये इस टाइम हर एक को अपनानी है, अगर को कोल्ड वाला है तो उसको भी और जो उसकी केयर कर रहे हैं उस बंदे को भी, ठीक है, ये यही प्रिवेंशन है। आज की डेट में क्या हो रहा है, कह तो रहे हैं कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, लेकिन हो क्या रहा है, मीडिया और अदर पीपल वो आपको ये नहीं बता रहे कैसे लड़ना है क्या करना है, वो आपको डरा रहे हैं, ये हो गया ये हो गया, और हम डर के माहौल में हमारी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है, हम फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं और हमें जो है वो इन्फेक्शन का डर ज्यादा हो जाता है। तो हमें डरना नहीं है,
हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, और जो लोग जो है जिनको बिगनिंग हो रही है मौसम की चेंज की वजह से कोल्ड, उनका कोल्ड उसको बिगड़ने नहीं देना, उसको वायरल नहीं बनने देना, घर पे ही ट्रीटमेंट करना है, कोशिश करनी है कि बंदा घर पे ही ठीक हो जाए। आपको डॉक्टर विश्वरूप के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या आप मुझे 8427829974 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक कंप्लीट डाइट प्लान मैं आपको भेजूंगा। वो 3 डेज डाइट प्लान है जिससे कोई भी इन्फ्लुएंजा लाइक जो वायरस है वो 3 डेज में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द मेंटल स्ट्रेंथ वी हैव क्रिएटेड वन गाइडेड मेडिटेशन, वो भी हम करवाते हैं ऑनलाइन। तो हमारा पर्पज है कि हम आप लोगों को सबको हेल्प करें। आप इस वीडियो के पीछे जो मैसेज छुपा है उसको समझने की कोशिश करें कि हम फ्लू कह रहे हैं, फ्लू के लिए क्या करना है, बट ये फ्लू इन्फ्लुएंजा जो है दैट इज सिमिलर टू व्हाट इज हैपनिंग टुडे। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ये हर जो आज की बीमारी चल रही है जो इतनी, जिसको पेंडेमिक कह रहे हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप ये सारे ट्रीटमेंट घर पे करें, अजमाए हुए ट्रीटमेंट हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर भी कर दें।